इस पाठ में हम त्रिविमीय आकार बेलन शंकु एवं गोले के घनफल एवं प्रक्षेत्रफल के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं बेलन की। तो सामान्य जीवन में हमें कई बेलनाकार वस्तुएं देखने को मिलती हैं, जैसे पानी का एक ग्लास, गोला का कैन, चाय का कप एवं रिमोट में लगाए जाने वाले सैर। बेलन की परिभाषा पे जाए तो हम देखते हैं कि बेलन में दो प्रकार के पृष्ठ होते हैं, एक वक्राकार पृष्ठ जिसे बेलन का वक्र पृष्ठ कहते हैं एवं दो समतल पृष्ठ बेलन में होते हैं जिनकी आकृति वृत्ताकार होती है, जिन्हें बेलन का वृत्तीय आधार कहा जाता है। बेलन के वृत्तीय आधारों की त्रिज्या समान होती है, जिसे अंग्रेजी अक्षर R से प्रदर्शित किया जाता है, तथा बेलन के दोनों वृत्ताकार पृष्ठों के केंद्रों को मिलाने वाले रेखाखंड को बेलन की ऊंचाई कहा जाता है, जिसे H से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब जानते हैं बेलन का घनफल कैसे ज्ञात किया जाता है। बेलन के घनफल को उसके आधार के क्षेत्रफल तथा ऊंचाई के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, जिसका क्षेत्रफल पाई गुना आर का वर्ग होता है। वर्ग को अंग्रेजी भाषा में स्क्वायर कहा जाता है, अतः बेलन के वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। बेलन की ऊंचाई एच है, अतः बेलन का घनफल पाई आर स्क्वायर गुना एच होगा। पाई का मान यदि प्रश्न में ना दिया जाए तो 22/7 प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के तौर पर लंबवृत्तीय बेलन के आकार वाली एक टंकी की ऊंचाई 1 मीटर तथा व्यास 70 सेंटीमीटर है। उस टंकी में कितने लीटर पानी भरा जा सकता है, जहां 1 लीटर 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर है। प्रश्नानुसार टंकी का व्यास 70 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या उसकी आधी यानी 35 सेंटीमीटर होगी। ऊंचाई हमें 1 मीटर दी गई है, जिसका मान 100 सेंटीमीटर के बराबर है। बेलन का घनफल पाई आर स्क्वायर एच होता है, जिसमें आर तथा एच के मान रखने पर हमें पाई गुना 35 गुना 100 मान प्राप्त होता है, जिससे बेलन का घनफल 385,000 घन सेंटीमीटर होगा। क्योंकि यह मान घन सेंटीमीटर में है, इसे लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देना होगा, अतः बेलन का घनफल 385 लीटर प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है। लंबवृत्तीय बेलन को 3 समतल पृष्ठों से मिलकर बना हुआ माना जा सकता है। एक आयताकार पृष्ठ जिसे चित्रानुसार मोड़ने पर बेलन का वक्र पृष्ठ प्राप्त होता है, तथा अन्य 2 समतल वृत्ताकार पृष्ठ। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसी आयताकार पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होगा, जहां आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आयत की लंबाई बेलन के वृत्ताकार पृष्ठ की परिधि के बराबर होगी, जिसका मान 2πr है, तथा आयत की चौड़ाई बेलन की ऊंचाई h के बराबर होगी। अतः बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल 2πr गुना h के बराबर होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल में दोनों समतल वृत्ताकार पृष्ठों के क्षेत्रफल को जोड़ने पर प्राप्त होगा, जिसका मान 2πrh प्लस पाई आर स्क्वायर गुना 2 के बराबर होगा। अतः बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πr गुना h प्लस r प्राप्त होता है। बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पाई का मान 3.14 दिया गया है। हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh होता है। इसमें r तथा h का मान प्रतिस्थापित करने पर 2 × π × 3 × 5 अर्थात 94.2 वर्ग सेंटीमीटर मान प्राप्त होता है। अतः दिए गए बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 94.2 वर्ग सेंटीमीटर है। बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र 2πr × h + r होता है, जिसमें r तथा h का मान रखने पर हमें 2π × 3 × 5 + 3 मान रखने पर 150.72 वर्ग सेंटीमीटर मान प्राप्त होता है। अतः दिए गए बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 150.72 वर्ग सेंटीमीटर होगा। अब हम दूसरे त्रिविमीय आकार शंकु के बारे में जानेंगे। हमारे दैनिक जीवन में शंकुआकार चीजें हमें कई जगह देखने को मिलती हैं, जैसे आइसक्रीम का एक कोन, जन्मदिन की टोपी और कुप्पी। इन सभी उदाहरणों में हमें एक विशेष प्रकार की आकृति देखने को मिलती है, जिसे शंकु कहते हैं। शंकु में भी बेलन के समान 2 प्रकार के पृष्ठ होते हैं,
एक समतल वृत्ताकार पृष्ठ जिसे शंकु का वृत्तीय आधार कहा जाता है तथा अन्य वक्र पृष्ठ। शंकु के वृत्तीय आधार की त्रिज्या को आर से विभाजित किया जाता है तथा इसे ही शंकु की त्रिज्या कहते हैं तथा शीर्ष ओ से वृत्तीय आधार पर डाले गए लंब की लंबाई को शंकु की ऊंचाई कहते हैं तथा चित्रानुसार बिंदु ओ तथा पी के बीच की दूरी को शंकु की तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। इस तिर्यक ऊंचाई का मान आर के वर्ग तथा एच के वर्ग के योग के वर्गमूल के बराबर होता है। लंबवृत्तीय शंकु का घनफल। लंबवृत्तीय शंकु के घनफल को 1/3 गुना आधार के क्षेत्रफल गुना ऊंचाई के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जहां आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तथा शंकु की ऊंचाई एच है, तथा शंकु का घनफल 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर गुना एच होता है। शंकु के घनफल को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, उस शंकु का घनफल ज्ञात करो। पाई का मान 3.14 दिया गया है। प्रश्नानुसार शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, परंतु शंकु का घनफल ज्ञात करने के लिए हमें शंकु की ऊंचाई अर्थात एच की आवश्यकता है। एच का मान ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं, जिसके अनुसार एल स्क्वायर का मान आर स्क्वायर तथा एच स्क्वायर के योग के बराबर होता है। अतः एच स्क्वायर का मान एल स्क्वायर व आर स्क्वायर के अंतर के बराबर होगा। क्योंकि एल का मान 13 तथा आर का मान 5 है, अतः एच स्क्वायर का मान 169 और 25 के अंतर के बराबर होगा, अतः एच स्क्वायर का मान 144 प्राप्त होता है। तो शंकु की ऊंचाई एच 12 सेंटीमीटर होगी। जैसा कि शंकु का घनफल 1/3 गुना पाई आर स्क्वायर गुना एच होता है, इसके अनुसार आर तथा एच के मान प्रयोग करने पर शंकु का घनफल 314 घन सेंटीमीटर प्राप्त होता है। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर तथा एल के गुणनफल के बराबर होता है तथा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आधार के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। क्योंकि शंकु का आधार वृत्तीय है तथा इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, जहां आर शंकु के वृत्तीय आधार की त्रिज्या तथा एल शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। अतः शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, जिसका सूत्र हम पाई आर गुना एल प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। प्रश्नानुसार शंकु का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है, अतः शंकु की त्रिज्या इसकी आधी यानी 10.5/2 सेंटीमीटर होगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी गई है। सूत्र के अनुसार शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, अतः आर तथा एल के मान प्रतिस्थापित करने पर हमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 165 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। इस प्रश्न में हमें पाई का मान नहीं दिया गया है, अतः पाई का मान 22/7 प्रयुक्त किया गया है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर गुना एल प्लस आर होता है, अतः आर तथा एल के मान रखने पर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 251.625 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अब अगले त्रिविमीय आकार की तरफ चलते हैं, गोला। सामान्य जीवन में हमें कई गोलाकार वस्तुएं देखने को मिलती हैं, जैसे एक गेंद, संतरे, खेलने वाले कंचे और हमारी पृथ्वी की आकृति भी गोल होती है। अब गोले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। गोले के भीतर एक ऐसा बिंदु जिसकी गोले के पृष्ठ पर स्थित सभी बिंदुओं से दूरी हमेशा समान रहती है, उसे गोले का केंद्र कहते हैं। गोले के केंद्र को यहाँ O से दर्शाया गया है। गोले के केंद्र की पृष्ठ पर स्थित किसी भी बिंदु से दूरी गोले की त्रिज्या कहलाती है, जिसे R से प्रदर्शित करते हैं। गोले का घनफल 4/3 गुना पाई गुना आर के घन के बराबर होता है। घन को अंग्रेजी भाषा में क्यूब कहा जाता है, अतः गोले का घनफल 4/3 पाई आर क्यूब होगा।
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि गोले का संपूर्ण पृष्ठ वक्रीय होता है, अतः गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल में वक्र शब्द का प्रयोग ना करते हुए इसे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं, जिसका मान 4πr² होता है। गोले के घनफल को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। किसी गेंद की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है, उस गेंद का घनफल कितना होगा? प्रश्नानुसार गोले की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर दी गई है तथा जैसा कि हमें पता है गोले का घनफल 4/3πr³ होता है, जिसमें r का मान प्रतिस्थापित करने पर हमें गोले का घनफल 38.808 घन सेंटीमीटर प्राप्त होता है। गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। किसी गोले की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? प्रश्नानुसार गोले की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर दी गई है तथा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है, जिसमें r का मान रखने पर हमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 9,856 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। अब हम जानते हैं इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। सर्वप्रथम जिस आकृति के बारे में हमने जाना वो है बेलन। बेलन का घनफल πr² होता है एवं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr×h+r होता है। दूसरी आकृति शंकु है, जिसका घनफल 1/3πr²h, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl एवं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr×l+r होता है। गोले की बात करें तो गोले का घनफल 4/3πr³ एवं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² होता है। इस प्रकार हमने इस पाठ में तीन त्रिविमीय आकारों गोले, शंकु एवं बेलन के घनफल एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल के सूत्रों के विषय में सीखा। धन्यवाद।